कोटा के कुन्हाड़े थाना इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत होने का मामला संज्ञान में आया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही मृतका के शव को मोर्चे में रखवाया गया। पुलिस को मृतका के गले पर फांसी और साथ ही सिर पर भी चोट के निशान पाए गए। वहीं मृतका के भाई मुकुल पंकज ने बताया कि उसकी बहन नीतू की शादी महेश से की गई थी और साथ ही पंकज ने मृतका के ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप भी लगाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अब गहनता से जांच कर रही है। रात को 8-9 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि एक कच्ची बस्ती बालीसा रोड की कोई महिला है नीतू नाम की, वो बेहोश होने से उसके परिजन उसको हॉस्पिटल में ले गए थे, जहाँ पर डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया था और रात को ही डेड बॉडी को मोर्चड़ी में रखवा दिया था। आज हमने SDM साहब को भी बुलवाया और लड़की के माता पिता आए और ससुराल पक्ष वाले भी आए थे, उन्होंने सबने देखा लड़की को, तो लड़की के गर्दन पर फांसी लगाने के निशान आते थे और ललाट पर थोड़ी सी चोट भी आ रही थी। इस संबंध में श्रीमान SDM साहब को मैंने हालात किए, उन्होंने भी हालात देखे और लड़की के पक्ष लड़की का भाई मुकुट पंकज ने रिपोर्ट दिए कि साहब इसकी सही जांच होना चाहिए, हमने रिपोर्ट प्राप्त कर ली है।